हेलो। सो दिस इज अ न्यू वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आपको CA फाइनल की तैयारी करने के लिए किस चैप्टर पे फोकस पहले करना है, किस चैप्टर पे फोकस बाद में करना है CA फाइनल SCMPE के लिए। अभी मेरे साथ हमारे 19 ए बैच के एक पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो हमसे कुछ क्वेरीज पूछ रहे हैं। तो उनका क्वेरी था, सर क्लास तो किया भी था आपका, रिवीजन क्लास भी किया था, अभी एग्ज़ाम नवंबर में देना था, दे नहीं पाए, अब मई में एग्ज़ाम देंगे, तो किस तरह से हम पढ़ाई करें कि हम मई में अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। तो मैं उनको भी गाइड कर रहा था कि किस चैप्टर को पहले करना, किस चैप्टर को बाद में करना, तो सोचा आपको भी सबको एक बार बता दूं। तो पहला बात ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो मैं यहाँ लिखा हूँ, आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि रिसोर्स नंबर वन है SCMPE का मैराथन रिवीजन, जिसके साथ SCM सेवियर नाम का एक किताब है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ICAI न्यू मैट का प्लेलिस्ट, ICAI न्यू मैट का प्लेलिस्ट, जिसका YouTube चैनल में जाके आपको खोजना पड़ेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है रिटन प्रैक्टिस केस स्टडीज़, जो बच्चे लिख नहीं पा रहे उनको रिटन प्रैक्टिस केस स्टडीज़ में जाना पड़ेगा। चौथा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट, ओल्ड सिलेबस क्वेश्चंस का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका लिस्ट। पांचवा है DJB बुक और उसका सॉल्यूशन। ये पांच इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं, एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैराथन रिविजन उसके साथ सेवियर बुक है, ICAI न्यू मैट जो भी मई 21 के लिए लागू हुआ है उसके वीडियोज़ का प्ले लिस्ट है, तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट है ओल्ड सिलेबस का जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, पांचवा है सॉल्व DJB यानी DJB बुक और उसका पूरा सॉल्यूशन। आइडियल प्रिस्क्रिप्शन बोल रहा है कि DJB बुक एग्ज़ाम के पहले 3 बार करना है, एक बार पूरा समझ लेना है, अच्छे से समझते समझते पूरा लिख लेना है, दूसरी बार आपको क्या करना है DJB बुक को अब जो समझा है उससे देखना है कि याद है कि नहीं है, और तीसरी बार क्या करना है आपको जो याद है उसको फिर से रिटेंशन के लिए दोहराना है। ये पांच इम्पॉर्टेंट रिसोर्स से आपका पढ़ाई होगा। पढ़ाई करने का सीक्वेंस, सीक्वेंस जो होगा उसमें सबसे पहला सीक्वेंस आएगा कि आप करने वाले होंगे सेवियर से रिवीजन, सेवियर रिवीजन विद द हेल्प ऑफ मैराथन वीडियोस, ये सबसे पहला सीक्वेंस है। फ्लो बोल रहा हूँ, सीक्वेंस माने फ्लो, कि सेवियर रिवीजन से मैराथन रिवीजन करोगे, सेवियर रिवीजन से मैराथन रिवीजन करोगे, क्या करोगे सेवियर रिवीजन से मैराथन रिवीजन करोगे चैप्टर बाय चैप्टर। फिर सेकंड क्या करोगे कि आप क्लास नोट्स को खाली गो थ्रू करोगे, क्लास नोट्स को गो थ्रू करोगे, सेकंड में क्लास नोट्स को गो थ्रू करोगे, थर्ड में आप क्या करोगे, थर्ड में DJB बुक को सॉल्व करोगे, DJB बुक को सॉल्व करोगे। क्या है सीक्वेंस, तीन लिखा हूँ मैं, पहला सेवियर बुक को लेकर मैराथन रिवीजन करोगे, दूसरा क्लास नोट्स को गो थ्रू करोगे, तीसरा DJB को सॉल्व करोगे। तो सर जो क्लास में आप इतने सारे सम्स कराए थे उसको क्या, उसको एक बार साइड कर दो क्योंकि अभी उतना ज़्यादा वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। DJB बुक सॉल्व कर लिया, उसके बाद हाथ में समय बचा तो फोर्थ स्टेप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड सिलेबस, उसका एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसी में PDF लिंक दिया हुआ है, उसको यूज़ करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड सिलेबस का वीडियो जो बनाया हुआ है उसमें जो PDF लिंक दिया हुआ है उसको यूज़ करके, उसमें क्वेश्चन लिस्ट है, उसमें आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन लिस्ट को यूज़ करके आप अपना प्रिपरेशन को पूरा होलसम वे में कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट हमारे फ्रेंड का क्वेश्चन आया सर कि ये सीक्वेंस ऑफ चैप्टर क्या होगा, तो सीक्वेंस मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट में। पहला सीक्वेंस में है डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स,
जिससे एग्जाम में आप 10 मार्क तक का मैक्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स में क्या क्या नाम आता है आप नाम से समझ लीजिए, रेलिवेंट कॉस्टिंग, CVP एनालिसिस, मेक और बाय, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अदर एरियाज ऑफ डिसीजन मेकिंग, की फैक्टर, इसी में लीनियर प्रोग्रामिंग भी आ गया, की फैक्टर के बाद लीनियर प्रोग्रामिंग भी आ गया, LP। सो ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर्स है। अनफॉर्चुनेटली पहले मैं जब पढ़ाता था तो इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा समय देता था, क्योंकि एक ओल्ड सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला चैप्टर होता था, बट अभी न्यू सिलेबस में इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ मैक्स 10 मार्क का है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा समय इस चैप्टर को न दे दें। इसलिए जो एक बार क्लास में कॉन्सेप्ट कराया हुआ उसको ठीक से देख कर DJB बुक को ही उसका आप घुमा लीजिए 2-3 बार तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। उसमें जो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उस पर थोड़ा इम्फेसिस दे दीजिएगा, जिससे कि थ्योरी याद भी हो जाए। सेकेंड सेट ऑफ चैप्टर्स है जिसका नाम हमने रखा है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन चैप्टर्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जैसे आपका SCM PE है ना, तो PE लास्ट में है तो उसका नाम क्या है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन चैप्टर्स में डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मॉडल्स है, और लास्ट उसके अंदर बजटरी कंट्रोल भी है। इससे आप एग्जाम में 40 मार्क तक का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मॉडल्स और बजटरी कंट्रोल, इससे आप 40 मार्क तक का एग्जाम में उम्मीद लगा सकते हो। और ये इसमें सिर्फ बजटरी कंट्रोल एक थ्योरेटिकल चैप्टर जैसा दिखता है, बट बाकी सब प्रैक्टिकल ही है, तो इस पर अच्छा समय देना है। इसके बाद बच जाते हैं जितने खुदरे खुदरे चैप्टर्स हैं, छोटा छोटा चैप्टर जिससे एग्ज़ाम में 60 मार्क तक का आ सकता है, उस पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है। सो 60 मार्क में क्या क्या आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल, टारगेट कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, प्राइजिंग स्ट्रेटजीज, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लर्निंग कर्व, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, या फिर अगर मैं कोई चैप्टर अभी स्किप कर गया हूँ तो वो सब भी इसी कैटेगरी में आप डाल देना, ठीक है। सो दोस्त, आपको मैंने 3 बात बताई है। पहली बात कि क्या क्या बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है आपके एग्ज़ाम के लिए, दूसरी बात किस सीक्वेंस में पढ़ाई करोगे, तीसरी बात किस चैप्टर का क्या वजूद है। इन सब को लेकर, हालांकि स्टडी प्लान नाम का वीडियोस आपके बैच के लिए ऑलरेडी बनाया हुआ है बैच वाइज, आप सतीश जलान स्टडी कॉस्ट मैनेजमेंट नाम का यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बट फिर भी अगर कोई भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो मैं एवरी डे अभी मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 से 5 यूट्यूब पे भी लाइव रहता हूँ आपके सारे क्वेरी को हैंडल करने के लिए, तो आप वहाँ से भी वो सारा क्वेरीज मेरे से सॉल्व करवा सकते हो। देखिए, कहीं पर भी ऐसा मत सोचिएगा कि सतीश सर आपका बुरा चाहते हैं या फिर वो अपने तरफ से कोई कमी रख रहे हैं। अगर कोई भी कम्युनिकेशन गैप के कारण मेरा या आपका नुकसान हो गया तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा, इसलिए हम नहीं चाहेंगे, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहेंगे, लूज लूज क्रिएट नहीं करना चाहेंगे, आप जीतोगे तो ही हम जीतेंगे। तो आपका कोई भी अगर दिक्कत आए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस, डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।